नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेन पेज से, उल्ची फ्रीडम शील्ड, जैसे हमने कल देख लिया था ना, ये हाईलाइट करवा दिया था वर्ल्ड पेज पे। वो ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है US और साउथ कोरिया की जो फोर्सेज है उनके बीच में। ट्राई सर्विस का मतलब समझ गए, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों का ये एक्सरसाइज है। ये जॉइंट एक्सरसाइज 2017 से स्टार्ट कर दी थी, पर बीच में क्या है, कुछ अप्स एंड डाउन्स की वजह से ये एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं रह पाई। क्यों? सबसे पहला कारण तो डोनाल्ड ट्रंप, कि उन्होंने क्या किया कि भाई जो भी स्टेट्स हमारे ऊपर डिपेंडेंट है हम उनका खर्चा नहीं उठाएंगे डिफेंस को लेकर के, बहुत बोला खर्चीला काम होता है, ठीक है। तो उन्होंने जापान, साउथ कोरिया, इनके साथ में अपने रिलेशनशिप बहुत हद तक विड्रॉ करने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन थी उसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं हो पाई। दूसरा, फिर कोविड आउटब्रेक हो गया, आपको पता है 2020 में। तो कुल मिलाकर के दोनों चीज़ों ने लगातार इस एक्सरसाइज को होल्ड पे रख दिया, पर अभी ये एक्सरसाइज US और साउथ कोरिया की तरफ से फिर से कंडक्ट हुई है। काम क्या है? कंट्रीज़ की तैयारी करना, पर्टिकुलरली यहाँ पे साउथ कोरिया की तैयारी की बात हो रही है। किसके लिए? कि मान लो नॉर्थ कोरिया अटैक कर दे। नॉर्थ कोरिया वैसे भी आपको पता है कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है। यहाँ पे डेटा बताया जा रहा है कि 2020 में नॉर्थ कोरिया ने लगभग, आप देखो, 4 मिसाइल्स की टेस्टिंग की थी। 2021 में ये बढ़कर के 8 मिसाइल्स हो गई, और 2022 में अभी तक लगभग 18 मिसाइल्स की टेस्टिंग तो नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी कर चुका है। कुल मिलाकर के डराने की कोशिश की जा रही है, तो इस वजह से साउथ कोरिया भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी। दूसरा, साइबर थ्रेट भी आजकल आपको पता है ये भी एक हाइब्रिड वॉरफेयर का पार्ट है, ठीक है, जिसमें लड़ाई के चलते एक दूसरे के जो सिस्टम, सेंसिटिव सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को हैक करना, उनको बिल्कुल पंगू बना देना जिससे काम ही ना कर सके, और या फिर जो चिप फैक्ट्रीज़ हैं उनकी सप्लाई चेन और उनकी मतलब जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करना। आज आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के चलते आजकल कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो एडिशनल फीचर्स देने से बंद कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, क्योंकि कार प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही है चिप्स की कमी की वजह से, जो एडवांस फीचर उनको देना उसकी वजह से, तो उन्होंने वो फीचर ही हटा दिया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए एक्सरसाइज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, नाम याद रख लेना। वैसे देखा जाए तो ये एक्सरसाइज का पहले नाम हुआ करता था, देखो इस नाम, किस नाम से जाना जाता था, उल्ची फ्रीडम गार्जियन और उल्ची फोकस लेंस, ऐसे करके दो पार्ट्स में इसका कंडक्ट होता था, जो कि कंबाइन करके उल्ची सिक्योरिटी एक्सरसाइज के नाम से अभी इसको बोली दिया गया है, ठीक है। और ये नाम जो है वो कहाँ से लिया गया है? कोरिया के जनरल हुआ करते थे युलजी मुंडियोक, जो कि 6th और 7th सेंचुरी के टाइम पे फेमस थे कोरियन पेनिनसुला के एरिया में, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर ये एक्सरसाइज का नाम है। अब इसके पीछे एक कारण और था, मैंने दो कारण तो आपको बताई दी कि क्यों ये एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं हुई पिछले सालों में। COVID-19 का कारण बता दिया था, डोनाल्ड ट्रंप का काम बता दिया था, और तीसरा और कि अभी जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट यून, इनसे पहले प्रेसिडेंट मून जाए इन थे, ठीक है। अब ये मून जाए इन जो थे वो थोड़ा सा पीस कीपिंग की तरफ ज़्यादा टिल्ट रखते थे, तो इसके चलते इन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ में अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश की थी, ठीक है। जो प्रीवियस फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने, मून जाए इन ने, तो उन्होंने सनशाइन पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी। सनशाइन पॉलिसी का मतलब कि हम प्योंगयांग का मतलब हो गया नॉर्थ कोरिया कैपिटल, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के साथ में हम शांति स्थापित करना चाहेंगे, जो कि बेसिकली इस सनशाइन पॉलिसी की फुल फॉर्म क्या होगी, द रिकॉन्सिलिएशन एंड कॉपरेशन पॉलिसी टुवार्ड्स नॉर्थ। ये पॉलिसी पे काम कर रहे थे प्रेसिडेंट मून जाए, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया अभी जो करंट प्रेसिडेंट है यून, उनके द्वारा, कि बोले मेरे प्रेडिसेसर जो थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव थे नॉर्थ कोरिया के साथ में, उनको बातचीत ही नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे करके। अब आपको पता है नॉर्थ कोरिया को खुला सपोर्ट मिलता है चाइना का और उधर से रशिया का, ठीक है, और साउथ कोरिया रिपब्लिक है, तो वहाँ पर आपको देखो यूरोपियन और मेजरली USA का सपोर्ट रहता है। तो कुल मिलाकर के ये जो टेंशन है इसमें ये एक एक्सरसाइज साउथ कोरिया ने कंडक्ट की है खुद की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद रख लेना भाई इसे, एक्सरसाइज का नाम उल्ची फ्रीडम शील्ड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखो इसका वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली 27 जुलाई को दिया था, ठीक है। अब उसी ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए पिटीशन लगा दी गई है, तो अब रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो देखा जाए तो आर्टिकल 137 जो है ना वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने ही डिसीजन को भी रिव्यू करना चाहे तो कर सकता है। तो बेसिकली
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2022 का। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या हो गया कि इलीगल एक्टिविटीज करके आप पैसे कमाओ और उस पैसे से गलत काम आगे अंजाम दो। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की एक्टिविटीज को रोकने के लिए 2002 में ये एक्ट लाया गया था। अब क्या है कि लगभग 240 के लगभग पिटिशंस थी जिन्होंने चैलेंज कर रखा था इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को। फिर उसको ऊपर ओपिनियन देते हुए 3 जजेस बेंच ने 27 जुलाई को अपना वर्डिक्ट दे दिया। पर जब वर्डिक्ट दिया तो उसमें लगभग 540 पेजेस का जजमेंट था वो, ठीक है। उस 540 के पेजेस की जजमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनमें कुछ कॉन्ट्रावर्सीज राइज हो गई और उन्हीं को रिव्यू करने के लिए कुछ पार्टीज जैसे कि कीर्ति चिदंबरम, ठीक है, ये हो गए जो कि पी चिदंबरम कांग्रेस के लीडर हैं, उनके बेटे हैं, इनके द्वारा भी रिव्यू पिटिशन लगाई जा रही है कि आप एक बार इसको रीइंटरप्रेट करो कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में नैरोली इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे में देखो रिव्यू करने वाली बात क्या क्या है वो देखा जाए। सबसे पहली चीज़ तो कि जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है उसको रिवर्स कर दिया था एक तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने। अभी 27 जुलाई को जो रूलिंग आई थी ना उसमें क्या बोला कि इनोसेंट नहीं माना जाएगा, जो भी अक्यूज्ड है उसके खिलाफ में कार्रवाई प्रॉपर मैनर में होगी, उसको इनोसेंट कंसिडर करके नहीं किया जाएगा। जबकि हमारे यहाँ पर इनोसेंस वाला जो प्रोविजन है वो रखा जाता है कि जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाए तब तक अक्यूज्ड को आप इनोसेंट ही मान के चलो, ठीक है। दूसरी चीज बेल ग्रांटिंग की जरूरत हो, जैसे जमानत लेनी है तो जमानत लेने के टाइम पर एक इंडिविजुअल को बोले खुद से ही साबित करना होगा कि वो कल्प्रिट नहीं है, ठीक है। ये दूसरा मुद्दा था। तीसरा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रीवियसली कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हुए जैसे 2015, 16, 18, 19, इनमें ऐसा कुछ प्रोविजन था जो कि मनी बिल की कैटेगरी में नहीं आता। आर्टिकल 110 के अंडर में मनी बिल डिफाइंड है तो मनी बिल की डेफिनेशन के अंडर में नहीं आता है, जबकि मनी बिल का पार्ट बना करके और फिर बाद में चेंज कर दिया गया। मतलब मनी बिल का पार्ट बना दिया गया, प्रोविजन थे अरेस्ट करने से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड, तो बोले ये मनी बिल कैसे हो सकता है और गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं प्रीवियसली पीएमएलए में। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को लेकर के रिव्यू करने की डिमांड की गई। अब देखो जजमेंट को रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 137 के अंडर आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू पटिशन लगा देनी होती है। जैसे 27 जुलाई को वर्डिक्ट आया था ना, तो अभी देख लो रिव्यू पटिशन 30 दिन के अंदर अंदर लगा दी। अगर 30 दिन से डिले हो जाता रिव्यू पटिशन फिर कैंसिल हो जाती, फिर तो बाद में मुद्दा अलग ही हो जाता फिर। पर वही बात है कि 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू पटिशन लगा दी इन्होंने आर्टिकल 137 के अंडर। आ जाइए फिर आगे कि डेथ पेनल्टी अगर कोई है, ठीक है, डेथ से रिलेटेड कोई मुद्दा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी, मौत की सजा दे दी, उसके अलावा जितनी भी रिव्यू पटिशन है ना उन सब में सर्कुलेशन के बेसिस पे अलग अलग चैम्बर्स में जजेस के पास जाएगा मुद्दा और वो फिर वहाँ पर बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, अपने हिसाब से ओपिनियन देंगे, ना कि ओपन कोर्ट में डिबेट होगा। ये ध्यान रखना आप, केवल डेथ पेनल्टी होती है ना उसी की रिव्यू पिटिशन को ओपन कोर्ट में डिस्कस किया जाता है, बाकी सभी चीज़ें जितनी भी हैं उन सबको चैम्बर में जो जज का चैम्बर होता है उसी चैम्बर में जा करके डिस्कशंस होते हैं। और यहाँ पर कोई भी ओरल डिबेट नहीं होते हैं। ओरल डिबेट का मतलब कि हाँ वकील, दोनों पार्टीज के वकील आमने सामने खड़े होंगे और वो अपने सवाल जवाब करेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अब रिटर्न में सबमिशन जाएगा दोनों पार्टीज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और इधर जो पार्टीज जिन्होंने पिटिशन लगाई है उनकी तरफ से रिटर्न में सबमिशन जाएगा और फिर फाइनल जो वर्डिक्ट होगा वो डिसीजन के बेसिस पे होगा। और ये तरीका होता है रिव्यू पिटिशन का काम करने का। इसका मतलब ओपन कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, ये ध्यान रखना आप। सुप्रीम कोर्ट देखो रिव्यू पिटिशन जो है वो इस हिसाब से देखता है कि किस केस को, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया उसको रिव्यू कब करना चाहेगा सुप्रीम कोर्ट, तो उसके पीछे ये देखा जाएगा कि मान लो प्रीवियस रूलिंग जो है वो कुछ नैरो ग्राउंड्स पे बेस्ड हो गई, इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं लिया गया और कुछ प्रोविजन ऐसे थे जिनको सही से नहीं समझा गया और वो जो गड़बड़ थी उसकी वजह से आने वाले टाइम पर पता नहीं कितनी ज़्यादा इनजस्टिस हो सकती है, तो उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। ये आर्टिकल 137 कहता है, राइट। अब देखो रिव्यू में क्या क्या चीजें डाली गई हैं वो देखें। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अमेंडमेंट जो थे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 2015, 16, 18, 19 के, वो मनी बिल के तौर पे इंट्रोड्यूस करके फाइनेंस एक्ट के बेसिस पे पारित करवा करके और चेंज किए गए थे। जबकि उसमें प्रोविजन कैसे थे, प्रोविजन ऐसे थे कि भाई ट्रिब्यूनल का क्या होना चाहिए, क्या मेंबरशिप होनी चाहिए, वो सारी मतलब
कुल मिलाकर की बात यह है कि जो प्रोविजन मनी बिल की डेफिनेशन में नहीं आते उनको भी आपने फाइनेंस एक्ट के बेसिस पे अमेंड करवा करके ऐड कर दिया, तो बोलो वो तो चीज कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो गया। एक तो ये चीज बोली जा रही है। दूसरी चीज कि मनी बिल की क्या डेफिनेशन है, कौन सी प्रोविजन, कौन कौन से प्रोविजन मनी बिल के तौर पे क्वालिफाई करते हैं, कौन से नहीं, उस चीज को लेकर के देखो। ऑलरेडी एक 7 जजेस की बेंच के लिए बात कही जा चुकी है कि मनी बिल की डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि आधार वाला एक्ट था ना, उसको भी मनी बिल की तरह ही गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, पर बाद में फिर उसको देखा गया तो बोले मनी बिल तो नहीं हो सकता। इस तरीके से मुद्दा अटका हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभी ये 7 जजेस की बेंच है ना, ये डिफाइन करेगी मनी बिल की डेफिनेशन क्या होती है और कौन कौन से प्रोविजन मनी बिल में कंसिडर होते हैं। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 110 की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए 7 जजेस की बेंच बैठेगी और वो इंटरप्रिटेशन देगी। पर सवाल ये है कि यहाँ पर जो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो अमेंडमेंट लाए गए हैं मनी बिल का नाम लेकर के, वो फिर यहाँ पर रिव्यू में डाल दिए कि एक बार चेक करो कि वाकई में एलिजिबल थे क्या वो प्रोविजंस जिनको मनी बिल के नाम पर इंट्रोड्यूस किए हैं। क्योंकि मनी बिल में क्या होता है, देखो लोकसभा सुपीरियर हो जाती है, क्योंकि मनी बिल को लोकसभा पारित कर दे तो काम बन गया, फिर राज्यसभा हाँ करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्यसभा के पास में केवल 14 दिन का टाइम होता है, उस 14 दिन के टाइम में राज्यसभा कुछ भी कहे कुछ भी ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारा का सारा लोकसभा पर डिपेंड करेगा कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो ऐसे में लोकसभा में तो देखो गवर्नमेंट की मेजोरिटी रहती है, तो मनी बिल के तौर पर लगभग ये जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि राज्यसभा को बाईपास किया जा सके, ठीक है। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा सेक्शन 3 जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है वो डिफाइन किया हुआ है, उसके इंटरप्रिटेशन में बोला सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नैरो इंटरप्रेट कर दिया। कैसे, देखो सेक्शन 3 क्या कहता है, हूसोएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू इंडल्स और नोइंगली असिस्ट और नोइंगली इज अ पार्टी, कुल मिलाकर के कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसके थ्रू पैसा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें जानबूझ करके या अनजाने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्व होता है और उस एक्टिविटीज़ के बेसिस पे अगर उस बंदे को या उस इंडिविजुअल को पैसा कमाने का मौका मिलता है और वो प्रॉपर्टी तैयार कर लेता है उस क्राइम के बेसिस पे, या फिर ये कहा जाए कि उस क्राइम के कंडक्ट होने के बाद में जो प्रॉपर्टी आ जाएगी उसको फिर बाद में गिल्टी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, इसी को फिर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस बोल दिया जाएगा। इन शॉर्ट क्रिमिनल एक्टिविटी को कंडक्ट करके पैसे कमाना और उससे अपनी प्रॉपर्टी गेन करना, वो जो एक्टिविटी है उसको डिफाइन किया गया है इस पार्ट सेक्शन 3 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 के अंडर में। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया ना, ये अभी जो 27 जुलाई वाला, उसमें ये जो वर्ड ना एंड, इसके लिए बोला एंड को एंड मत पढ़ो, इसको और पढ़ो। तो यहाँ पर पिटिशनर्स ने कहा कि भाई इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करो कि एंड का मतलब और का मतलब किस तरीके से आप देखना चाहते हो, क्योंकि एंड का मतलब तो ये हो गया कि जो एक्टिविटी यहाँ पर आ रही है उसी को साथ में आप यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी को भी अटैच करने की बात कर रहे हो, और का मतलब हो गया एक अलग इंटरप्रिटेशन। एंड और का बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, तो पॉइंट यहाँ पर है बोला इस एंड और के इंटरप्रिटेशन को थोड़ा क्लैरिफाई किया जाए। ये सेक्शन 3 का मुद्दा आ गया। फिर आ जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसका मतलब कि आज अगर कोई क्राइम होता है और उस क्राइम की डेफिनेशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के शेड्यूल में दिए हुए जो भी ऑफेंसेस हैं उनमें किसी से मैच नहीं करता है और बंदा उससे पैसे कमा करके अपना प्रॉपर्टी तैयार कर लेता है, उस चीज़ को बाद में गवर्नमेंट को पता पड़ता है आज के 5 साल बाद में, मान लो 2027 में, कि जी ये तो इस तरीके से पैसा कमाया गया था, तो 2027 में गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया और ये जो क्राइम जो कि उसके शेड्यूल में ऑलरेडी नहीं था उसको ऐड कर दिया और कहा कि भाई प्रीवियसली किया हुआ क्राइम है, अब उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो ये चीज लेकर के भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि बोला 2005 में कोई क्राइम कंडक्ट हुआ, उस टाइम पर उस ऑफेंस को आपने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में जो शेड्यूल है जिसमें अलग अलग ऑफेंसेस आपने डिफाइन कर रखे हैं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग में ये ऑफेंसेस कंसिडर होंगे, बोला उस लिस्ट में नहीं था और उस एक्ट को आज आप अगर चेक करना चाहते हो और बीच में आपने अमेंडमेंट कर दिया 2015, 16, 18, 19 में, तो बोला उसके बेसिस पे आप कैसे इसको क्रिमिनल एक्टिविटी में अप्लाई कर सकते हो, ये तो आर्टिकल 20 का वायलेशन है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, सीधी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि किसी भी पर्सन को किसी भी ऑफेंस के लिए सजा नहीं दी जाएगी अगर उस ऑफेंस से संबंधित कोई भी कानून एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज
एक एक गलती के लिए एक बार से ज्यादा सजा भी नहीं हो सकती। इस तरीके से आर्टिकल 20 का वायलेशन हो रहा है कि आपके पास में जो लॉ अवेलेबल है उसमें ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं है कि हाँ भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, कोई भी मुद्दा मान लो, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में आपने ये प्रोविजन ही नहीं डाल रखा, जो शेड्यूल ऑफेंस है वो प्रोविजन में ही नहीं है, तो आप कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो? आर्टिकल 21 का वायलेशन है कि नहीं? वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन में क्या बोला है कि जो ऑफेंस, जो क्राइम, क्राइम तो है वो, पर फर्क इतना सा है कि उसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की शेड्यूल में ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के शेड्यूल में एडेड नहीं है पर वो है क्राइम ही और उससे पैसा कमाया हुआ जो है वो गलत तरीके का है, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग ही कंसिडर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया। अब पिटिशनर क्या बोल रहे हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधा क्या कहते हैं कि जब किसी एक्ट में या जब किसी एक्ट मतलब लॉ में इस तरीके के प्रोविजन ही नहीं है एग्जिस्टिंग लॉ में, तो आप कैसे किसी को पनिश कर सकते हो? समझ गए? तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स। जो लागू हो रहा है कानून उसमें प्रोविजन ही नहीं है तो आप कैसे पनिश कर सकते हो? तो एक इस पॉइंट को रीइंटरप्रेट करवाना चाहते हैं पिटिशनर। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो कि पीएमएलए के केसेस को देखती है, ठीक है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और पुलिस दोनों में एक फर्क बताया सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना 27 जुलाई का वर्डिक्ट दिया, तो बोलो उसको भी एक बार रीइंटरप्रेट करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो बातें बोली हैं उसमें यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो पुलिस की तरह काम नहीं करती है, जिसको FIR और ये दर्ज करने की जरूरत नहीं है, वहां पर अपने हिसाब से अपनी एक्टिविटीज वो इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी ज़्यादातर डिपेंड इंक्वायरी पे होती है, इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, तो बोला इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर करो। फिर आती है बेल प्रोविज़न। देखो पीएमएलए में सीधा सा ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो स्टेट पे ना होकर के अक्यूज्ड पे है। अब देखो स्टेट का मतलब तो क्या कि सरकार साबित करे कि जिस बंदे को पकड़ा गया है शक के दायरे में आकर के, सरकारी एजेंसी साबित करे कि हाँ वो बंदा गलत है तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा। पर पीएमएलए में क्या है, उल्टा है, जिस बंदे को पकड़ लिया ना अब वो बंदा खुद साबित करे कि वो निर्दोष है, तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना ये अक्यूज्ड पे है, और ऐसी परिस्थितियों में देखो बहुत मुश्किल हो जाता है एक इंडिविजुअल के लिए ये साबित करना कि वो कल्प्रिट नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या मुद्दा आ रहा है कि ना तो कोई FIR के इक्वलेंट कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, ना कोई चार्जशीट है, ना कोई केस डायरी मेंटेन की जा रही है, तो बोला ऐसी परिस्थितियों में एक इंडिविजुअल खुद को निर्दोष साबित करे तो कहां कहां से क्या चीज़ें क्या उनको कलेक्शन करनी है वही पता नहीं रहता। तो कुल मिलाकर के इन सारे मुद्दों को रिव्यू पिटिशन में डाला गया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या अपनी तरफ से ओपिनियन देता है। नेक्स्ट आर्टिकल है टोमेटो फ्लू जो कि एंट्रोवायरस से फैल रहा है, जानते हैं ये क्या है? देखो बेसिकली अभी केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइन इशू की है कि प्रॉपर मैनर में इस टोमेटो फ्लू से बचा जा सके। बेसिकली टोमेटो फ्लू टोमेटो पे लगी हुई बीमारी नहीं है, ये ह्यूमन में होने वाली बीमारी ही है, बस फर्क इतना सा है कि बॉडी पे एकदम टमाटर की तरह दिखने वाले लाल कलर के रैशेस बन जाते हैं इसलिए, और बुखार के सिम्टम्स रहते हैं सारे जैसे चिकनगुनिया के या डेंगू के रहते हैं, तो उस तरीके से इसको टोमेटो फ्लू बोल दिया। बेसिकली ये बताया गया है अभी तक कि टोमेटो फ्लू जो है वो आफ्टर इफेक्ट है चिकनगुनिया या फिर डेंगू, दैट मीन्स आपके अगर चिकनगुनिया हुआ है या डेंगू हुआ है तो उसके बाद में टोमेटो फ्लू के सिम्टम्स आते हैं। ये आप देखा जाए तो इसमें एक न्यू वेरिएंट है वायरल इन्फेक्शन का, जिसमें हाथों में मुंह हाथों पे हैंड फुट माउथ इन पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, रेड रेड रैशेस बन जाते हैं और ज़्यादातर तो छोटे बच्चों में 1 से 5 साल के बच्चों में फैलता है, या कोई इंडिविजुअल जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, दैट मीन्स उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर है, उनके ये बीमारी लगती है। टोमेटो फ्लू के सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीवर, जॉइंट पेन, रेड टोमेटो लाइक रैशेस बन जाते हैं, छोटे बच्चों की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। इसके अलावा अदर सिम्टम्स में बुखार के साथ साथ में डायरिया, डिहाइड्रेशन, नौजिया, वॉमिटिंग, फटीग, थकान रहनी, ये सारे सिम्टम्स चिकनगुनिया और डेंगू वाले सिम्टम्स यहाँ पे आ जाएंगे। और इस बीमारी को HFMD भी बोला जा रहा है, हैंड फुट माउथ डिजीज भी, और कारण क्या है इसका, एंट्रोवायरस, ठीक है। ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो सकता है, इसमें मेनली होता है इंटेस्टाइन, आंतों के थ्रू, ठीक है, तो ऐसे में हाइजीन का मेंटेन रखना जरूरी है, मेन बात ये हो गई। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें भी
HFMD का जो एटर्नोवायरस है, इसका कौन सा वेरिएंट है? एटर्नोवायरस कॉक्साक्स की, या क्या है, देखो ये यहाँ पे कॉक्साकी वायरस, यस कॉक्साकी वायरस, ठीक है। इसमें A6 और A16 वेरिएंट है, ये फैल जाते हैं। इसके अलावा एंट्रोवायरस जो 71 है वो भी इस तरीके की बीमारियां फैला देता है, ठीक है। और इससे कई बार क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, दैट मीन्स ब्रेन में इन्फ्लामेशन, कहते हैं ना कि दिमाग में सूजन आ गई, वो भी देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं फेटल एनसेफेलाइटिस, ठीक है जी। इसके अलावा फैलने का, अभी ये देखा जाए तो इतना फैला हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, तो एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है, देखो जी ये बीमारी पहले भी होती थी, पर फर्क इतना सा है कोविड के बाद में वायरल इन्फेक्शन के लिए टेस्टिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग अलर्ट हो गए, ज़्यादा अलर्ट हो गए। अब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि आती हैं चली जाती हैं वायरल की तरह, तो बोले ये बीमारी भी सेल्फ लिमिटिंग है, ज़्यादा इतना कोई इशू नहीं है, बस इसमें हाइजीन का मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है। बच्चे जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन करवाते भी, हमें पता है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, बेसिकली अगर हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो क्या होता है, इन्फेक्शन ही ले रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो सके और हम उस बीमारी से लड़ सकें। फिर और बाकी वायरल इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर ही देता है, फिर हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इम्यून एंटीबॉडी डेवलप करती है ही। एडवाइजरी में क्या बताया हुआ है, वे सीधी सी बात है कि बच्चों को हाइजीन का ध्यान रखने के लिए बोला जाए, ठीक है, साफ़ सुथरे हाथ रखे जाए, किसी भी बच्चे के ऑलरेडी थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं बुखार के तो वो जल्दी से किसी से ऐसे ना गले ना मिले या दूर रहे, हैंकी यूज़ करे। नेक्स्ट हम देखें तो अभी देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक इमेज है, ठीक है, यूके में लिवरपूल सिटी है, वहाँ पर रीजनल पार्क है और वहाँ पर इस तरीके की ड्राइंग डेवलप की गई है, ठीक है। इसको बोला जाता है मंडला आर्ट, वैसे तो मंडल बोलते हैं हिंदी में हम, ठीक है, मंडल, मंडल का मतलब होता है एक तरीके के सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, इस तरीके से पूरा ग्रुप बंच, ठीक है, इस तरीके की आर्ट बनाई गई है। इसके पीछे का क्या साइंटिफिक रीजन है वो जानने से पहले हम जानेंगे कि ये मंडल आर्ट का ओरिजिन कहाँ से है। देखो यहाँ पर है कि मंडल पैटर्न जो होता है मंडला, ये बेसिकली सेंचुरीज ओल्ड पैटर्न है जो कि अलग अलग सेगमेंट्स में देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करें तो मंडल का मतलब क्या होता है, सर्कल्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, सर्कल्स या फिर कौन से कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, संस्कृत में मंडलास की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्कल बने हुए हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग आर्ट बनी हुई है सर्कुलर शेप में। मंडला का ओरिजिन या रूट माना जाता है हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म में। मंडला की सबसे पहली इमेजरी अपियरेंस कब होती है, वेदास में, ठीक है, वेदास में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। और फिर बुद्धिस्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट मिशनरीज ने भी जब अपनी बुद्धिज्म को एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग एरियाज में गए थे, जब वो 6th सेंचुरी में चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी तरफ से मंडलास का यूज़ बहुत किया। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वहाँ पर एक एनर्जी कन्फाइनमेंट होती है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो यहाँ बाहर जब एक बंदा बिल्कुल स्कैटर्ड मैनर में रहे, अगर इसका हम अपीयरेंस को अंडरस्टैंड करें तो वो जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएगा उसको लगेगा कि हाँ मेरे पास में कुछ, उसको कहते हैं ना कि उसको एक सेटिस्फैक्ट्री फील आता है, तो वो जो चीज़ है वही मेन पॉइंट है। और इस मंडला का जो अपीयरेंस है वो कैसा दिखता है, जैसे यूनिवर्स में है या कॉस्मोस को रिप्रेजेंट करता है, कुल मिलाकर के हम देखें पूरे यूनिवर्स को कि किस तरीके से यूनिवर्स कन्फाइन होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो मंडला के लिए बोला जाता है कि जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम सेंटर में जाते हैं वैसे वैसे यूँ मानो कि हम खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करते हैं, और यूँ लगता है जैसे कि हम धीरे धीरे हमारी सफरिंग्स तो हो रही है दूर और जॉय के पास बढ़ते चले जाते हैं, इस तरीके से ये एक अपीयरेंस को शो करता है। हिंदू फिलोसॉफिकल सिस्टम की बात करें तो मंडल दैट मीन्स यंत्र, आपने देखे होंगे लक्ष्मी यंत्र, अगर आपने कभी पूजा पाठ में कभी ध्यान दिया हो या फिर जो भी इमेजेज आती है, लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, उनको भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है दिखाने में, ठीक है, जिसमें आप देखो शेप जो है वो स्क्वायर या फिर सर्कल शेप में होती है ज़्यादातर, और मेनली सर्कल शेप में आपको मिलेगा, और उसके चारों तरफ जो है वो मंत्र लिखे रहते हैं। तो ओवरऑल पावर कॉन्सेंट्रेशन का ये वो हो गया। दूसरा कि जैसे जैसे आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जैसे जैसे आप बाहर से अपनी खुद के ध्यान को केंद्रित करते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी कन्फाइन होगी, आपको जॉयस फील होगा, ठीक है। इसके अलावा इस मंडल की अगर अपीयरेंस को थोड़ा और अंडरस्टैंड करें तो इसमें 8 स्पोक ताड़ियां जो होती हैं
वो धर्मचक्र परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट जो बुद्धिज्म के एट फोल्ड पाथ है, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए वो आ जाते हैं। इसके अलावा लोटस फ्लावर है, वो बैलेंस का शो करता है, और इसके अलावा सन जो है वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल्स हैं वो एक्शन और एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से बुद्धिज्म में भी इस मंडल का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ठीक है जी। फिर मंडल की बात करें इंडियन आर्ट में, तो हमारे यहाँ पर बुद्धिस्ट थंग का पेंटिंग्स जो हैं उनमें इसकी प्रेवलेंस देखने को मिलती है, ओके। और तांत्रिक और नियो तांत्रिक स्पिरिचुअल, जैसे आपने ये जो ये देखा होगा बुद्धिज्म में जो वज्रयान सेक्ट है बुद्धिज्म का, उसमें इस तरीके की तांत्रिक और नियो तांत्रिक सेगमेंट पे काम किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो 1960s के टाइम पर दो इंडियन आर्टिस्ट, एक तो सोहन कादरी और एक थे प्रफुल्ल मोहंती, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, और इन मंडलास को इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिला, ठीक है। इसके अलावा जब हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी जो बैकबोन होती है, स्पाइन की हम बात करें, बैकबोन में जो स्पाइन है, तो वहाँ पर बिल्कुल बॉटम में कुंडली होती है जहाँ पर सारी पावर कंसंट्रेट होती है। वो कुंडली नहीं जो होती है ना, वो भी कुछ ऐसी रिजेम्बलेंस दिखाती है, ऐसा ही अपीयरेंस होता है उसका भी। इसके अलावा अभी की बात करें तो कुछ साइकेट्रिस्ट ने भी इसको एक तरीके से लोगों को कहते ना कि उनकी सफरिंग से निकाल करके जॉय की तरफ ले जाने के लिए भी इसको यूज़ किया। जैसे आप अगर इस इमेज को देखो तो खुद को यूँ लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ क्रिएटिव चीज़ है, ठीक है। पावर कंसंट्रेशन की बात करो, सारा यूनिवर्स एक जगह आकर के इकट्ठा हो रहा है, कन्फाइन हो रहा है, जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाओगे उस तरीके की अपीयरेंस को यूज़ किया गया। इसमें आप देखो कार्ल यंग नाम के साइको एनालिटिक्स, ठीक है, स्विक साइकेट्रिस्ट एंड साइको एनालिटिक्स, उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इस मंडल कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। और उन्होंने क्या कहा कि इसमें जब मैंने खुद ने जब एनालाइज किया तो पता पड़ा कि ये मैं खुद था, ठीक है, इसमें मेरी खुद की पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही थी कि मेरा कोर क्या है और मैं कैसे आउटर एरिया से इन्फ्लुएंस रहता हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे मैं अपने आउटर एरिया से इनर कोर की तरफ मूव करता हूँ तो यूँ लगता है कि सब कुछ हारमोनियस है, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है, चाहे वो कितना ही डिफरेंस वाली चीज़ हो। कुल मिलाकर के मंडला पेंटिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा भाई ध्यान रख लेना। और लिवरपूल सिटी में ये चीज़ जो है यहाँ पर डेवलप की गई है रीजनल पार्क में, ओके, इसलिए ये न्यूज़ में थी। आगे चलते हैं इकोनॉमी पेज पे, वैसे तो कुछ खास है नहीं, कल वाली न्यूज़ ही है जिसमें आप सिंपल से देखो तो ज़्यादातर स्टेट्स रेडी हैं कि लेबर कोड, जो चार लेबर कोड हैं उनके लिए अब जल्दी से अपनी तरफ से रूल्स तैयार कर लेंगे। देखो दो लेबर कोड्स हैं ना, उनको तो ऑलरेडी अपनी तरफ से उनके लिए कोडिंग तैयार कर लिया अलग अलग स्टेट्स ने। अब जहाँ तक है कोड ऑन वेजेस और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इस पर भी अब जल्दी से आउटकम मिल जाएगा। कुल मिलाकर चार लेबर कोड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, वर्किंग कंडीशन कोड, ठीक है, इनके साथ ये चारों मिलकर के ओवरऑल चार लेबर कोड तैयार कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है वो सिंपल सा मैंने कल भी बताया था, इन लेबर कोड्स को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर लेना। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट प्लस लेबर रिप्रेजेंटेटिव तीनों मिलकर के और एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है, तिरुपति में, ठीक है, नाम है नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इसमें लगभग 31 स्टेट्स और यूटीज तो रेडी हो चुके हैं कि हम बचे हुए जो लेबर कोड हैं उनके लिए भी हम जल्दी से जल्दी रूलिंग तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस क्या दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो एक बार आपको देखनी है। बेसिकली लेबर की अगर बात करें तो लेबर अपने आप में कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल तैयार कर दिया, अब उस मॉडल को ध्यान में रखते हुए स्टेट्स अपने अपने लेबर कोड डिफाइन कर लेंगे, अपनी अपनी कंडीशनैलिटीज़। अब देखने वाली बात है क्या आउटकम निकलता है अपने अपने स्टेट के लेवल पे। आपको क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मॉडल तैयार किए हुए हैं ना उनके बारे में एक बार रिविज़न लेना है, ठीक है। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे ये बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी अपनी तरफ से एक गाइडलाइन इशू की है, वो ये कि कोई भी अनऑथराइज्ड मैनर में, अनऑथराइज्ड मतलब गवर्नमेंट से बिना अप्रूवल लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा अगर पब्लिक में पब्लिश करेगा, ठीक है, पब्लिक में ओपन करेगा, तो उसको कंपाउंडेबल ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा, और जिस बंदे ने भी ऐसा किया उसके ऊपर 1,00,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है, और 1,00,000 रुपये तक का फाइन देकर ही वो बच पाएगा। तो इस तरीके का प्रोविज़न कैसे किया है, कस्टम्स एक्ट, ठीक है, उसमें सेक्शन 135AA ये ऐड किया गया
फाइनेंस, ये जो अभी बजट आया था 2022-23 वाला, उस बजट के टाइम पर, ठीक है। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोल दिया कि बोले एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बात ये, अनऑथराइज्ड कोई भी हर कुछ अपने हिसाब से डेटा रिलीज नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल के खिलाफ में अगर केस दायर हो जाता है तो वो पैसे दे करके उस केस को रफा करवा देगा। कुल मिलाकर के अगर कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड डेटा अनऑथराइज्ड पर्सन अगर पब्लिश कर देगा तो उस इंडिविजुअल को 1,00,000 रुपये कंपाउंडिंग अमाउंट के तौर पे देने पड़ेंगे। फाइन है ये डायरेक्टली, उसमें इम्प्रिजनमेंट का ये प्रोविजन नहीं है, सीधा फाइन है, ठीक है। 1,00,000 रुपये का जुर्माना है। कुल मिलाकर के बात ये है, ठीक है। डिस्कशन यही खत्म है और बाकी मुझे लगता नहीं कुछ इंपॉर्टेंट हमारा बचा हुआ है, ठीक है। लास्ट में ये वर्ल्ड पेज पे है कि जिस तरीके से अभी आपको पता सीवियर ड्रॉट चल रहे हैं, अगर हम यूरोप की बात करें, चाइना की बात करें और यूएसए की, तो यूरोप में सॉरी यूएसए की हम बात करें तो यूएस में यहाँ पर एक देखो रिवर है जिसका नाम है डायनासोर वैली स्टेट पार्क, ठीक है। इसमें आप देखो ये जब रिवर सूख गई ना तो ये पैरों के निशान मिले हैं, ठीक है। ये रिवर का नाम है पेलुग्जी रिवर, ठीक है। डायनासोर के ट्रैक्स देखने को मिले हैं, पेलुग्जी रिवर, ये नाम जरूर याद रखोगे। और इस वैली का नाम इन ट्रैक्स के वजह से ही हुआ था, फिर बाद में डूब गए थे पानी के नीचे, वो बात एक अलग है, ठीक है। तो ये डिस्कशन यहीं पे ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।